हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। सो आज हम IBPS RRB PO2 के रीजनिंग के सेक्शन की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कभी भी आपको ये वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, बस आपको ये पढ़ना है कि कितने पर्सन हैं, ठीक है। और ये आपको ये पढ़ना है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है। सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो दो बना लो, ये दो इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर अगर कंफ्यूजन हुई भी तो हम चेंज कर लें, ठीक है। तो डेफिनेट स्टेटमेंट को हमें साइड में लिखते जाना है, लाइक यू सिट सेकेंड राइट ऑफ वी, यू सिट सेकेंड राइट ऑफ वी, ये हमारी डेफिनेट स्टेटमेंट है। टू पर्सन सिट बिटवीन W एंड X, इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पहले W आएगा या X आएगा। Z इज नाइदर नेबर ऑफ Y एंड W, ठीक है, ये भी कंफर्मेशन वाली स्टेटमेंट है। थ्री, Y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, Y sit third left of W, ये हमारी कंफर्मेशन वाली स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्टेटमेंट। X faces T, S sit third left of U, ये भी कंफर्मेशन वाली स्टेटमेंट है। इमीडिएट नेबर ऑफ S faces outside, मतलब S हमारा इनसाइड है, बाकी दोनों आउटसाइड हैं, ठीक है। टी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, एस फेसेस वाई, दैट मीन्स ये इनवर्ड है, ठीक है। तो ये भी इनवर्ड होगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले वो चीज देखनी है जिस ये लाइक सबसे लंबी स्टेटमेंट और सबसे ज्यादा मैच करते हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली स्टेटमेंट, W और X के बीच में दो बंदे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है Y और W के बीच में भी दो बंदे बैठे हैं, राइट लेफ्ट, है ना। यहां पर हमें बोला था 2% सीट बिटवीन W X और Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ W, थर्ड लेफ्ट ऑफ W मतलब अगर ये इनवर्ट देख रहा होगा तो y हमारा यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर w आउटसाइड देख रहा होगा तो y यहाँ पर, x यहाँ पर, हमारी ये स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अब x t को देख रहा है तो ये दोनों इनवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, S और Y दोनों आपस में देख रहे हैं तो यहां पर S आ जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा S अंदर देख रहा है और उसके दोनों अपोजिट साइड में देख रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट हमारी पूरी गलत है, हमारी ये वाली सही है, ठीक है, ये भी खत्म। टी यू, वाई के साथ में जेड नहीं बैठेगा, ना इधर बैठेगा जेड ना इधर बैठेगा जेड, तो जेड बैठेगा यहां पर, ये वाली स्टेटमेंट भी खत्म। अब आप यहां पे देखो, ये बोल रहा है एस थर्ड लेफ्ट में बैठा है, यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, सो दैट मीन्स अगर यू हमारा यहां पर आ जाए, यू अगर हमारा यहां पर आ जाए तो ये हमारे लेफ्ट में बैठेगा, अगर ये आउटसाइड देख रहा होगा तो, क्या ठीक है। और वी के राइट में ये बैठा है तो वी हमारा अंदर देख रहा है, तो ये हमारी पूरी डेफिनेट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी एंड राज आर गोइंग टू द स्टेडियम फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट
watching football match. Mohini walked 10 kilometer north. 10 kilometer north reaches point A. Okay. Then she take turn right and walk 8 meters and reaches point B. ये हमारा पॉइंट बी है. नाउ शी टेक टर्न लेफ्ट. अगर ये फेस अगर इसका साइड में है तो हमारा लेफ्ट ऊपर की साइड होगा, तो ये दैट मीन्स नॉर्थ की तरफ जा रही है. देन शी टेक टर्न लेफ्ट एंड 6 मीटर रीच इज पॉइंट सी. फाइनली शी टेक टर्न राइट एंड वॉक 5. यहाँ पर आ गया उसका स्टेडियम. ठीक है. ऑन द अदर हैंड Raj walks 10 meter and reaches the point D. Walks 10 meter, reaches the point D. ये राज है. Then she take turn right and walk 8 meters. And reaches point E. Again he take right turn and walk 6 meter. That means ये हमारा right turn होगा. ठीक है. ये हमारा 6 meter है. And reach F. ये हमारा point F है. Finally he take turn left and walk 10 meter. Reach the stadium. तो ये हमारा पूरा का पूरा simplified diagram बन चुका है. तो ये हमारा पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड डायग्राम बन गया भाई. ठीक है. तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं. ठीक है. मोहिनी ने तो नॉर्थ से स्टार्ट किया था. क्वेश्चन वो एक्चुअल में ये पूछेगा कि राज ने स्टार्टिंग जर्नी कैसे की थी, नॉर्थ की तरफ की थी या साउथ की तरफ की थी. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ की तरफ. अगर मैं नॉर्थ की तरफ लेता तो हमारा डायग्राम उल्टा बन जाता. ये आपको चेक करनी होगी. ठीक है. ये तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है. ये आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये फास्ट रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों में. ये चीज़ें सारी समझाने के लिए है. ठीक है. तो अब इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि F और D के बीच में डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि F और D के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये 10 आ जाएगा. ये हमारा पाइथागोरस का वो बन रहा है पूरा ट्रिपलेट. ठीक है. अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई मोहिनी से लेके डी तक क्या डिस्टेंस होगी, तो जाहिर सी बात है 8, 5, 13, 13, 23, 23, 8, 31. तो हमारा 31 मीटर का डिस्टेंस होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 पर्सन ऑफ 3 जनरेशन फैमिली. 3 जनरेशन का मतलब क्या होता है, ये तीन टायर ऑफ फैमिली. पी इज द फादर इन लॉ. पी इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू. अभी हमें ये नहीं पता कि ये दामाद है कि बहू है. ठीक है. हु इज द, मैंने आपको पहले बताया था हु हमेशा ठीक पीछे वाले के लिए यूज होता है. हु इज द मदर ऑफ आर. ये आर की मदर है. दैट मीन्स ये बहू है, इसका कोई हस्बैंड भी होगा. एस इज द मदर ऑफ टी. एस इज द मदर ऑफ टी. ठीक है. T, who is the father of you? हमें ये चीज पता है, हमें इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता कि इन दोनों का जेंडर क्या है. हमें सिर्फ इनका ही पता है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं यू के ग्रैंड फादर कौन है, P. ठीक है. P यू का क्या लगेगा, नहीं पता, क्योंकि आपको जेंडर ही नहीं पता. ये ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, ये ग्रैंड सन भी हो सकता है. ऐसे यू के केस में होगा. और अगर मैं आपसे ये बोलूं यू क्यू का क्या लगेगा, यू क्यू का लगेगा, ये आपको पता ही नहीं है कि सन है या डॉटर है. ठीक है. तो इसका कैंट भी डिटरमाइन होगा. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइन. ये हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लग रहा है. ऑल आर फेसिंग नॉर्थ. डिफरेंट कलर पसंद है. क्यू सिट सेकेंड राइट ऑफ आर. हु लाइक्स रेड. हु किसके लिए है, रेड.
आर के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही, फोर पर्सन सिटिंग बिटवीन, फोर पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाइट और ब्लैक, के बीच में चार बंदे बैठे हैं ब्लैक। पी सिट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारी एक्सट्रीम एंड हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। एंड द पर्सन पी सिट फ्रॉम एक्सट्रीम एंड हो गया। सेवन पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी सात ब्लैक, सात बंदे बैठे हैं पी और ब्लैक के बीच में। देयर आर एज मैनी पर्सन राइट ऑफ द पिंक, पिंक के राइट में और आर के लेफ्ट में इक्वल बंदे बैठे हैं। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस हु लाइक्स वाइट कलर, ठीक है। टी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड, थर्ड लेफ्ट मतलब ये अगर एक्सट्रीम एंड है तो बना लेते हैं इसको, एक दो तीन, टी क्यू एस, एस को पसंद है वाइट, ठीक है। क्यू आर ये भी गया, यहाँ पर है आर, आर को पसंद है रेड, ठीक है ये भी गया। अब वाइट और ब्लैक के बीच में हमारे चार हैं बंदे, दैट मीन्स वाइट यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पर आ जाएंगे चार, एक कैप छोड़ के यहाँ पर बैठेगा ब्लैक, ठीक है ये भी गया। अब ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है, अब हमारा आएगा यहाँ पे पी, तो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो एक दो तीन यहाँ पर बैठेगा पी, ये भी गलत, सात बंदे बैठे हैं ब्लैक और इसके बीच में, तो दैट मीन्स ब्लैक ये रहा। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हमारी पूरी स्टेटमेंट हो गई है। अब ये बोल रहा है आर और पिंक के बीच में उतने ही बंदे बैठे हैं, अब सिर्फ हमारी ये वाली स्टेटमेंट रह गई है आर के जो लेफ्ट में बैठे हैं, दैट मीन्स ये हमने शायद गलत लिख दी है, ठीक है ये ऐसे होगा, पिंक के जो भी लेफ्ट में बैठा है वो इक्वल टू में है आर के लेफ्ट में, दैट मीन्स एक दो तीन, तीन बंदे बैठे हैं, एक दो तीन, तो ये हमारा पिंक हो जाएगा, ठीक है ये वाली स्टेटमेंट भी खत्म। तो हमारा ये एक्चुअल हो जाएगा आंसर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया सबसे मिडल में कौन है, आपको नहीं पता कांट से आंसर होगा इसका, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राइट एंड में सबसे कौन है, क्या मतलब पसंद क्या है उसको, वाइट है, वाइट रंग पसंद है उसे, वाइट ये वाइट कलर पसंद है उसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं लेफ्ट एक्सट्रीम में कौन है, आपको पता ही नहीं है कांट से, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। बस मेन चीज होती है कि आप इसको कैसे डिकोड करते हो। सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्या है आप फॉर्मली डायग्राम बना सकते हैं, लाइक आदर्श इज आई शूटिंग प्लेयर इज इक्वल टू डी वी जी एच बी एन जे के, ठीक है। शूटिंग इज इन ओलंपिक जी एच एम एन डी वी और ए एज, मैन डाइड इन शूटिंग डी वी ए एज डब्ल्यू एस डी वी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आपको ये क्यों बनाना है, इतना याद रहे, या तो ये तीन नंबर में आएगा या पांच नंबर में आएगा, और ये आपका बोनस मार्क्स होता है हमेशा, तो अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एस को पहले एस सर्कल मार्क कर दो, अब तीनों में एक एक हमारा कॉमन होगा डी वी
डीवी डीवी आई 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 को बॉक्स मार्क कर दो। जी एच है हमारा बॉक्स। इन इन को डैश मार्क कर दो, डैश। ठीक है, ओलंपिक, ये हमारा ओलंपिक हो जाएगा। बाकी और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ओलंपिक हमारा क्या है? ओलंपिक हमारा क्या है? MN। BN हमारा किस कोड में है? हमें पता ही नहीं है भाई, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो कांट से। मैन इज प्लेयर, इसका तो हमें कंफर्म है, इसका होगा हमारा GH। ना तो हमें प्लेयर का पता, ठीक है, और ना हमें मैन का पता, तो ये ऑप्शन से देख के होगा क्वेश्चन, लेकिन इतना कंफर्म है जी उसमें होगा। प्लेयर इज डाइड इज रिटन है जी के जो भी है, तो मैन क्या होगा? अगर यहाँ पे प्लेयर इज रिटन एज डाइड, जे के जी एच डी ई अगर है, तो हमारा मैन क्या होगा? देखो इसने डाइड भी दे दिया है, तो ये हमारा डाइड हो जाएगा एक तरह से। अब मैं इसको काट देता हूँ, इज हमारा जी के हो जाएगा, तो मैन हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस इतना याद रहे, ये क्वेश्चन के क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो ही ये जब तक वैलिड है, जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट होगा ये वैलिड, ये वाली स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगी। फुटबॉल प्लेयर को आप क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें फुटबॉल ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो हमारा प्लेयर प्लेयर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन से देख के होगा, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन से देखकर ही होगा। इतना है, आप पेपर में हमेशा ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो इस चीज की गारंटी है कि आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ओवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हमारा एक छोटा सा पजल है, हाइट बेस्ड पजल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सात पंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपको कभी भी इनमें सिट नहीं कराना है। ठीक है, ए इज टॉलर देन ओनली सी, दैट मीन्स ए यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। 3% सिट बिटवीन बी डी, दैट मीन्स बी डी, इन तीनों सिर्फ तीन ही बंदे हैं। ई इज टॉलर देन डी, ई इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन बी, दैट मीन्स ई इन्हीं के बीच में आएगा, इन तीनों में से किसी एक में आएगा। टॉलेस्ट पर्सन की हाइट है 180 और एफ की हाइट है 150। ठीक है, एफ इज टॉलर देन जी बट शॉर्टर देन ई, सो दैट मीन्स इसको एज इट इज उठा के इस पर रख दो, ई एफ जी, और एफ की हाइट है 150 तुम्हारा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भैया जी हमारा कौन से नंबर पे आएगा, तो आप ये बोलेंगे फोर्थ नंबर पे आएगा। सबसे छोटी हाइट किसकी है? सी की है। सबसे टॉलेस्ट हाइट किसकी है? बी की है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है? ये है हमारा सिलॉग्स के क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? ऑल एप्पल आर ऑरेंज, नो गुआवा, नो गुआवा इज पपाया, फ्यू गुआवाज आर एप्पल। दैट मीन्स ये वाला जो है हमारे तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है? फ्यू गुआवाज आर एप्पल, गुआवाज आर एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल सिलॉग्स बनेगा, ये हमारा ऑरेंज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सम पपाया बीइंग ऑरेंज इज अ प्रोबेबिलिटी, सम पपाया बीइंग ऑरेंज इज अ प्रोबेबिलिटी, लाइक अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं, सम पपाया बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, हमारा एक्चुअल डायग्राम तो ये बनेगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऑरेंज के अंदर ही डाल दूं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, तो ये हमारा ट्रू हो गया। और नो पपाया इज ऑरेंज, कोई पपाया ऑरेंज नहीं है, हमें नहीं पता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, ओनली फ्यू
ball is bat, all wood are bat, no football is ball. ये हमारा डायग्राम बनेगा, ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा. सम बैट इज फुटबॉल, बैट और फुटबॉल की रिलेशनशिप पता है? नहीं पता. नो बैट इज फुटबॉल, हमें ये भी नहीं पता. जब भी हमेशा दोनों सम और नो का केस बने और दो एलिमेंट सेम मिल जाए तो आंख बंद करके इधर और का केस मार के आ जाना. इसका आंसर हमेशा इधर और ही होगा. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पजल. ठीक है, ये क्या है? ये तो पढ़ना ही नहीं है. दस बंदे हैं, 10 फ्लोर बिल्डिंग है, सेम ऑर्डर में नहीं है, ग्राउंड नंबर है 1. ठीक है, ये हमें जितना चल चुका पता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो स्टार्ट करते हैं. अब ये क्या बोल रहा है? देयर आर एनी एज मैनी पर्सन लिव अबव, दैट मीन्स आई ऊपर है और जे नीचे है. ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट कंफर्मेशन वाली है. जी हु लिव्स इन प्राइम नंबर फ्लोर, 2, 3, 5, 7. ठीक है, lives just above the floor edge, that means just above है. एक ये वाली स्टेटमेंट कन्फर्म है. फोर पर्सन लिव बिटवीन जी ई, सी लिव्स एट ऑड नंबर बट बिलो फ्लोर नंबर 4, दैट मीन्स 1, 3. देयर आर एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन सी ई और एफ जी के बीच में जितने बंदे बैठेंगे वो सेम है. आई लिव्स अबव डी, इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इसके ठीक नीचे ही होगा. ठीक है, तो आपको हमेशा ये वाला गैप बना के चलना है, डी एंड बिलो के, दैट मीन्स के ऊपर आएगा. डी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 में किसी भी बैठ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्टिंग करेंगे उससे जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट जिसकी होगी, दैट मीन्स ये वाली है. इसमें हमारे पूरे 6 का गैप है और इसका हमें ये भी पता है कि हम इसमें पॉसिबिलिटी बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम जी 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 और ये जी जी के ठीक नीचे एच 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 एच, तीसरे पे सी सी, यहाँ पर सी बैठ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. ठीक है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये वाली स्टेटमेंट भी ख़त्म. जी और ई के बीच में 4 बंदे थे, 2, 2, 3, 4. ई इसके ठीक ऊपर ई, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4 ई. ठीक है, अब नाउ ये हमारी पूरी फाइनल स्टेटमेंट खत्म हो गई है. अब ये बोल रहा है सी ई के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही एफ जी के बीच में है. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आई और डी, आई और जे, आई और जे के ऊपर जितने थे और उतने ही नीचे होंगे. अगर मैं आई यहाँ पे लिख दूँ और जे यहाँ पे लिख दूँ, आई यहाँ पर, जे यहाँ पर, ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं और ये वाली भी नहीं बनेगी. दैट मीन्स ये वाला, ये दोनों तो हमारे ख़त्म, ये भी हो गया. अब ये बोल रहा है आई के नीचे डी है, पूरा नीचे नहीं है,
डी यहाँ पर आ सकता है, आई ऊपर आ गया, और के या तो इसमें होगा या इसमें होगा, ठीक है, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, हमें इस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ से। सी ई के बीच में जितने बंदे हैं, दैट मीन्स सी और ई के बीच में जितने बंदे हैं उतने ही एफ और जी के बीच में, 1 2 3 4 5 छः, छः बंदे हैं, तो हमारा एफ जी, तो हमारा एफ सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, सी ई और जी एफ, एफ ऊपर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि आपस में है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया के ऊपर है, हमें ये इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि के कहाँ बैठेगा, तो ये भी गलत। तो अब हमें ये चीज़ चल चुकी है पता कि यहाँ कौन बंदा बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा एल। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंफर्मेशन स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे टॉप पे कौन है, एफ, सबसे बॉटम पे कौन है, सी, सबसे बीच में एल कौन सी पोजीशन पे बैठा है, सिक्स्थ, डी और आई के बीच में कितने बंदे हैं, दो, दो बंदे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं जी और आई के बीच में कितने हैं, तीन, 1 2 3, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर इन द नंबर यस ईच ऑफ विच हैज मैनी डिजिट बिटवीन इन द गिवन नंबर एज दे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये हमें एक नंबर दिया हुआ है 8 7 4 1 9, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूँ तो हमें उसके पेयर देखने के, कितने नंबर ऑफ पेयर इससे मैच कर रहे हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें एज इट इज लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दैट मीन्स ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पेयर हमारे मैच हो रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटी में आपको या तो डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा, बस इसकी यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मैं आपको ये बोलूं यू इज आइदर ग्रेटर और इज इक्वल टू आर, क्या ये कंफर्म है, तो हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट में देखना होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, ये आपका मोस्टली गलत कराएगा क्वेश्चन। आपको इसके लिए कर क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डायरेक्टली आपको ये कॉपी करना है, यू जे वाई टी, अब डब्ल्यू, अभी आपको इसमें देखना है कोई चीज़ मैच कर रही हो, एफ कर रही है, तो आर डी डब्ल्यू, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट है जो अरेंज करके है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यू इज आइदर ग्रेटर और इज इक्वल टू आर, यू इज आइदर ग्रेटर इज इक्वल टू आर नहीं है, देखने में लग रहा है, ठीक है। जी इज ग्रेटर देन आर, आर तो इधर है भैया, लेकिन एफ है, ये तो हमारा लोअर हो गया फिर, तो ये भी हमारा गलत, इसके दोनों ही गलत है, नन नन हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसमें अगर मैं ये चीज देखूं, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एफ ग्रेट आइदर लोअर देन जी टी, अब जी यू एच और बी दोनों सेम ही है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसमें देखेंगे ई इज ग्रेटर देन एच, ई इज ग्रेटर देन एच, हाँ है, ये पूरा का पूरा पेयर ऐसे बन रहा है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। ई तो ग्रेटर है और ये लोअर बोल रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो और ये क्या बोल रहा है हमारा कि भैया एफ इज लोअर और आइदर लोअर और ग्रेटर
either lower or is equal to b. F is either lower or greater b. हाँ दोनों ही सेम है, यहां पर भी सिंबल सेम है और यहां पर भी सिंबल सेम है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. नाउ थर्ड, सी वी ग्रेटर देन जी, ठीक है, ए एस एम बी, बी है तो बी हमारा लोअर है एन एम एस ए. ये क्या बोल रहा है, एन वी, एन वी का देखना है अब हमें. एन इज ग्रेटर देन वी है, ट्रू, सही है. V is either lower or equal to M, ये वाला स्टेटमेंट आ गया गलत, तो ये हमारा गलत हो जाएगा. लाइक अगर यहाँ पे ये वाला अगर ये होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, ये पूरा का पूरा सेम पैटर्न बनता, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है. तो इसका ओनली वन हो जाएगा. लाइक ये भी हमारा पजल है, 9% है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, और डेफिनेट स्टेटमेंट को बिठाते जाना है साथ साथ. पी वॉज बोर्न इमीडिएट बिफोर क्यू, ये हमारी डेफिनेट स्टेटमेंट है. हु वॉज बोर्न ऑन द मंथ विच हैज 30 days, विच हैज 30 days, तो दैट मीन्स हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा 30 days है, 30 days, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है, 3% आर बोर्न बिटवीन एलएम, एलएम, एम का क्या है, हु वाज बोर्न इन 31 days बिफोर जून, दैट मीन्स 31 क्या है, ये हो सकता है ना एम का, और ये एम हो सकता है, और इनके बीच में तीन तीन बंदे बैठे हैं, 1, 2, 3, ये कंफर्म है, या यहाँ तक हो गया. ओ वॉज बोर्न बिफोर आर, ओ वॉज बोर्न बिफोर आर एंड आफ्टर एस, दैट मीन्स ये इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है और ना ये कंफर्म इसे ये कह रहा है, ठीक है. 4 persons वर बोर्न बिटवीन पी एंड ओ, पी और ओ के बीच में 4 बन गए हैं. There are as many person were born between L and T is equal to NL. ठीक है, T was born after R. ये भी एक confirmed statement है. अब यहाँ पे आपको देखना है PQ साथ में और Q का जो हमारा जो बोर्न हुआ है वो 30 days में हुआ है, ठीक है, तो 30 में हुआ है, तो या तो वो क्यू यहाँ पर हुआ होगा पी क्यू, या तो वो यहाँ पर हुआ होगा पी क्यू, ठीक है, या तो वो इस पे हुआ होगा पी क्यू, तो एल यहाँ पर, एम यहाँ पर, ठीक है, या तो वो इस चीज पे हुआ होगा पी क्यू एल एम, ये चीज कंफर्म हो गई है, ठीक है, ये चीज काट दो, एल एम काट दो. अब हमारा, अब हमें इनमें से ही देखना है कि कौन सी चीज
कैसे सेट होगी। अगर अब मैं आपको ये चीज कहूं कि 4% बिटवीन पीओ के बीच में चार बंदे हैं, 1 2 3 4 ओ, 1 2 3 4 ओ, ये हमारी गलत हो गई क्योंकि चार बंदे थे, 1 2 3 4 और यहाँ पे एम है, तो ये हमारी पूरी पूरी गलत हो गई स्टेटमेंट। 1 2 3 4 ओ, 1 2 3 4 ओ, ये वाली भी गई। अब ये बोल रहा है ओ आर, ओ आर के मतलब ओ ऊपर है आर के, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर रहने की बात कर रहा है, ये इकट्ठे तो आएंगे नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत, ये वाली भी गलत हो जाएगी, इकट्ठे नहीं आएंगे कभी। तो हमारा कौन सा बचेगा, ओ आर एस, यहां पर क्या आ जाएगा टी, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर आ जाएगा टी, आर टी भी हो जाएगा। एल और टी के बीच में उतने बंदे हैं जितने एन और एल के बीच में है, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं टॉप पे कौन बंदा बैठेगा पी, बॉटम पे कौन बैठेगा टी, टॉप पे कौन बैठेगा पी, बॉटम पे बैठेगा टी, मिडल में कौन बैठेगा जुलाई से ऊपर एस, जुलाई में कौन बैठेगा एन, एल के ठीक नीचे कौन बैठेगा आर, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर आर बी पी ओ रीजनिंग का। क्वेश्चन क्या है, इफ एवरी वर्ड ऑफ पी आर ओ यू जी एच टी चेंज टू द नेक्स्ट लेटर सी एस ओ पी यू बी जी एच आई टी यू, ठीक है, एंड ऑल लेटर आर अरेंज एंड ऑल लेटर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, देन विच विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर मैं इस चीज को ऐसे ही अरेंज कर दूं, ठीक है, लाइक इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वी एस के बाद आता है, आता है, तो वी लास्ट में आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें इससे मतलब नहीं है, एच यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा, यू। तो आज की हमारी रीजनिंग की पूरी वीडियो ख़त्म हुई, हमने 40 क्वेश्चन किए हैं बैक टू बैक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।